स्टॉक्स फटाफट में पहला स्टॉक इंफोसिस का है, जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश जी के पास है 100 शेयर, इन्होंने खरीदा 670 पर, प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। प्रकाश, आपकी सलाह इंफोसिस पर प्रकाश जी? अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुनाफा कर ले जाइए, अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बढ़िया सपोर्ट इन्फोसिस में 650 का है, जब तक ये होल्ड करता है तो अप मूव तो ऑन ही है, एक दो साल रखना है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो नतीजों ने खुश किया बाजार को, इन्फोसिस में बढ़त बरकरार, प्रकाश जी को भी मुनाफा ही हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बंगलुरु से सलीम जी का सवाल है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 100 शेयर 293.48 इनकी बाइंग प्राइस, नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 270 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अप मूव मिलेगा 300, 350, 350 आ सकता है, वहां पर अगर चला जाए तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए, सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज नरेंद्र का सवाल, 25 शेयर 24,040 रुपए की इनकी खरीद रही है, होल्ड करना चाहिए 20,000 में, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपको मिल सकता है 30,000 के आसपास मौका मिलेगा। कंपनी बढ़िया है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड चेन्नई से रेसुल होल्ड करते हैं, 311 इनकी बाइंग प्राइस है, नथिंग टू वरी, 311 आएगा, वक्त लगेगा उसके लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब कह सकते हैं 250-60 के करीब हैं, तो अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट मिल सकते हैं, नथिंग टू वरी होल्ड। ठीक है, सो 311 का इंतजार कीजिए रेसु, ये आपकी बाइंग प्राइस जो है, आपकी कॉस्ट आपको मिलेगी इसमें। डेल्टा कॉप अहमदाबाद से रुचि होल्ड करती हैं, डेल्टा कॉप के 10 शेयर 259 इनकी बाइंग प्राइस रही है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, 350 का जोन भी देखेंगे लेकिन उसे वक्त लगेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक रायपुर से अंशु खुराना, 20 शेयर 116 की खरीद, होल्ड करना चाहिए, ऑल कार्गो में 125 से 130 का जोन मिलेगा, वहां पर निकल सकते हैं, है साइडवेज जोन, अपू थोड़े से कभी कभी मिल जाते हैं, उस अपू का एडवांटेज लेकर निकल जाएगा। यूनाइटेड बैंक यह अगला स्टॉक, दिल्ली से हिमांशु ने यह सवाल भेजा है, 250 शेयर है, 11.34 इनकी खरीद का भाव रहा है, एग्जिट वीक स्ट्रक्चर है, अब मुनाफा भी मिल रहा है इनको एग्जिट। ठीक है, आप ही के कॉस्ट के आसपास है, 26 पैसे का मुनाफा हो रहा है, इसे बुक कीजिए। प्रकाश इंडस्ट्रीज फरीदाबाद से अशित का सवाल है, 80 रुपए में इन्होंने प्रकाश इंडस्ट्री के 150 शेयर खरीदे हैं, प्रकाश जी अभी तो प्रॉफिट हम देख रहे हैं कुछ 15.90 रुपए पर शेयर, 5-7-8 दिन काफी अच्छा आप मुंह चला है, अगर ट्रेडर है तो निकल जाइए प्रॉफिट लेकर, अगर निवेशक है तो होल्ड कीजिए, शायद करीब 120 का भी जोन देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से 50% प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। प्रॉफिट का बुक करने का डिसीजन लीजिए यहाँ पर। हिंडाल्को रांची से रंजन जी होल्ड करते हैं, 500 शेयर 217 इनकी बाइंग प्राइस है, अपू मिलेगा उसका एडवांटेज देकर निकल जाइएगा, है बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव लेकिन अब साइडवेज जोन पर है, कितना रहेगा साइडवेज जोन पर कहना मुश्किल है, इसलिए अपू का एडवांटेज देकर निकल जाइएगा। आईओसी अहमदाबाद से सुरेश होल्ड करते हैं, 750 शेयर 136.30 रुपए की करीब, होल्ड कीजिएगा 150 के करीब मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। बॉम्बे डाइंग पुणे से प्रमोद का सवाल है, 100 शेयर है 237 बाइंग प्राइस है, 237 होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है कॉस्ट के करीब मिल जाएगा लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए, लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है बॉम्बे डाइंग में लगता है वो होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म है होल्ड कीजिए। महाराजा बैटरी उस्मानाबाद से वीरभद्र पूछ रहे सवाल, 125 के भाव पर 100 शेयर अमर राजा, 125 वाओ, होल्ड कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपको तो तकलीफ है ही नहीं, लॉक इन करने के लिए अगर स्टॉप चाहिए तो करीब 700 का लगाइए, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए, और अच्छा मुझे लगता है कि 1,000 का भी जो जाए जा सकता है लेकिन उसे वक्त लगेगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अमर राजा, शानदार प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 1,000 के लेवल्स भी देखेंगे, बने रहिए यहाँ पर। एमएमटीसी कोलकाता से स्वप्न होल्ड करते हैं, 160 शेयर 68 बाइंग प्राइस है ये प्रकाश जी, 68 जब लिया है उसके बाद एक लगातार गिरावट देख रहे हैं, शायद एक अपू मिले लेकिन 37-40 के आसपास ही जाएगा, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, लॉस बुक ही करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर काफी नुकसान हो ही रहा है, लॉसी बुक करना पड़ेगा। अच्छा, एमजीएल महानगर गैस
23 शेयर 1290 की खरीद, जयपुर से रोशनी होल्ड करती हैं। बहुत महंगा लिया है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो ऐड करें वो करीब बेचिए 1000 के आसपास। एयरकॉन पालनपुर से रवि के पास है, एयरकॉन का स्टॉक 300 शेयर है, 423 बाइंग प्राइस। एयरकॉन वेल एक ARCON इज इट? जी हाँ, IRCON, मेरी गलती हो गई, सॉरी। वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, एक सपोर्ट जोन करीब 380 के आसपास है, लेकिन है स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लैरिटी नहीं, तो कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा। ओके, सो अभी तो होल्ड कीजिए, जब आपको आपके लेवल्स पर नजर आए 423 की आपकी खरीद रही है तब वहां पर निकल जाइएगा। स्टॉक फटाफट में इतना ही।